चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB. यहाँ मैंने पिक्चर नहीं ड्रॉ की है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अंडरस्टैंड करें ये पिक्चर कैसे बनाई गई है. पहले बनाया गया एक लाइन सेगमेंट AB, तो ड्रॉ कर लेते हैं. एक लाइन सेगमेंट बना लिया A और B, हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया AB, राइट. अब क्या किया गया है, इनके ऊपर है ना दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं. कौन से परपेंडिकुलर है, एक का नाम है AD, A तो यहाँ पर है, तो D कहाँ पर है, D होगा एक परपेंडिकुलर की फॉर्म में, यानी कि ऐसा ऐसा होता है ना परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. और हम परपेंडिकुलर को इस तरह से बॉक्स बनाकर शो करते हैं, जो एंगल होता है इसका राइट एंगल की फॉर्म में शो करते हैं. तो एक तो बना है A से D की तरफ, तो हमने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया. और दूसरा बना है B और C, यानी B से हम इसे इस तरफ ज्वाइन करने वाले BC. तो मैंने एक और परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बना दिया C. क्वेश्चन कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो अपने अंदाजे से हम थोड़ा इक्वल ले लेते हैं. मान लीजिए AD आपने 3 सेंटीमीटर लिया, तो BC भी 3 सेंटीमीटर है. आपको हालांकि ऐसे बनाना नहीं है, बनी हुई है पिक्चर. मैं सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करा रही हूँ कि पिक्चर किस तरह से बनाई गई है, ताकि हम इसका बेस अंडरस्टैंड करें. अब कहते हैं आपको प्रूव करना है, यानी शो दैट CD bisects AB. अब CD कहाँ पर है, C ये पॉइंट है, D ये पॉइंट है. इनका कहना है ये जो अगर C और D ज्वाइन कर दिए जाए ना, तो ये एक दूसरे को ये AB को bisect करता है. इसका मतलब ये हुआ AB bisect हो रही है ना, किससे bisect हो रही है, CD से. यानी हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट bisected है, यानी इक्वल है. ये है क्वेश्चन का मेन जो हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. ये पॉइंट आपका ओ हो गया. फिर से समझ लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है. देखिए जो जितना पॉइंट गिवन है गिवन के अंदर, वो सारा कुछ आप लिखेंगे. मैं शॉर्ट में यहाँ मेंशन कर देती हूँ जो हमें लिखना है. गिवन में मैंने लिख दिया AD एंड BC इक्वल है ना, तो मैं सीधा लिख रही हूँ AD इक्वल है BC के. क्यों, क्योंकि इक्वल बाई सेक्टर है, इक्वल है ना, और परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है. सेकंड थिंग जो हमें प्रूफ करना है वो है टू प्रूफ में हम मेंशन करेंगे. हमें प्रूफ करना है कि CD AB को बाईसेक्ट करती है, यानी कि AB बाईसेक्ट हो गया है. बाईसेक्ट हो गया मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि AO इक्वल है OB के, यही मीनिंग है ना इसका. हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. और इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ भी इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए आ जाए और ट्रायंगल की शेप दिख रही है, तो उसका मतलब है कि पहले हम ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे. ट्रायंगल इक्वल है तो फिर तो बाइसेक्टिविटी उसका हर पार्ट इक्वल हो जाएगा. यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे. तो अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर. क्या क्या इक्वल है, फर्स्ट थिंग ये जो गिवन है वो है, पहले हम मेंशन ज़रूर करेंगे किन ट्रायंगल की बात हो रही है. हम बात करें ट्रायंगल OAD, एंड दूसरी ट्रायंगल क्या लें हम, दूसरी ट्रायंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे, OBC. इन दो ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है. फर्स्ट थिंग है ये जो 90 डिग्री के एंगल है ना, ये इक्वल है, दिख रहा है ना. तो मैंने एंगल 1 एंड 2 लिख देती हूँ और यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है, गिवन है ना, परपेंडिकुलर है ये. तो हम यहाँ लिख देते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 जो इस ट्रायंगल का पार्ट है इक्वल है ओबीसी का एंगल 2. ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये गिवन है. सेकेंड थिंग और भी कुछ गिवन है, ऑफकोर्स गिवन है. इन्होंने कहा है कि AD भी इक्वल है BC के. ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, ये भी गिवन है ना, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन कहता है कि गिवन है, ठीक है. अब हमें तीसरी चीज़ भी चाहिए जो इक्वल हो. अब ध्यान दीजिए किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि इक्वल हो, ताकि हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए और CPCT से हम सारी चीज़ें इक्वल कह दें. मिल रही है कोई ऐसी चीज़, देखिए थर्ड थिंग के लिए आप ध्यान दीजिए, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, है ना. एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4. और आप मुझे ये भी बताइए इन एंगल्स के नाम क्या है, क्या कहा जाता है ऐसे एंगल्स को. मैंने ये तो बता दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, लेकिन कौन से एंगल्स हैं,
इन्हें कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो एंगल्स, याद है? तो अब हमने ये बता दिए कि दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, यानी कि हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हो गई? देयरफोर बाय, पहले रूल का नाम लिख देते हैं, बाय रूल, कौन सा रूल? ए एस ए, इस रूल से कौन कौन सी ट्रायंगल? ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है ट्रायंगल ओ बी सी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम क्या रूल लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं अब सभी कुछ इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफोर बाय सी पी सी टी। आप सीधा नहीं कह सकते कि ये अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, कभी नहीं, मार्कडाउन हो जाएंगे। आप पहले बताइए कि इसके बाद एक रूल और फॉलो करना है हमें, जो कि है सी पी सी टी। वो रूल कहता है कि आपकी जो साइड है ना ए ओ इक्वल है बी ओ के। ये लिखने के बाद आप फिर अपनी लाइन जो क्वेश्चन ने कहा था ना कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये फिर से लिखेंगे। हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, और ये पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।